So these are the guidelines which are very important for you in order to appear for the test. जब आप टेस्ट में बैठते हैं, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, तब क्वेश्चन पेपर में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हमको हम आपको प्री इन्फॉर्म कर रहे हैं, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू क्विकली गो थ्रू इट. बट यस, प्लीज डू नॉट मिस दोज गाइडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. हम आपको यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. पहले चीज, ऑफकोर्स यू विल बी गिवन एन एडिशनल 10 मिनट, जैसे कि लिखा हुआ है, टू फिल अप दैट OMR शीट. उस OMR शीट में आपको अपना नाम रखना है, स्कूल का नाम, स्कूल का कोड, क्लास, रोल नंबर, फोन नंबर जिसमें वो आपको कॉन्टैक्ट कर सके, और उसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज होंगी जो आपको करनी पड़ेंगी. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको याद रखना है, दैट दिस क्वेश्चन पेपर ऑफ योर NSO इज प्रीडोमिनेंटली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. दोस थ्री सेक्शन का लॉजिकल रीजनिंग जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा जिसमें 35 क्वेश्चंस होंगे, अचीवर सेक्शन इज योर 5 क्वेश्चन. 10 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन मेक्स अप 45 क्वेश्चन का ऑल टुगेदर स्केल. लॉजिकल रीजनिंग एंड साइंस ये दोनों के दोनों 1 मार्क ईच है. 10 मार्क्स हो गए, 35 मार्क्स. बट अचीवर सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को समझ कर एनालिटिकल अप्रोच भी अप्लाई करना पड़ता है, थोड़ा मेमोरी बेस में भी काम करना पड़ता है, इसलिए इसका मार्क्स का वेटेज भी ज्यादा है. 5 क्वेश्चंस हैं साइंस के टोटल एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज योर 3 मार्क्स, सो 15 मार्क्स यहीं पर हो जाते हैं. और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग. बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, वो OMR शीट आप भर रहे होंगे, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, यू कैन यूज HP पेंसिल, ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन. और जब आप भरेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ऐसे सर्कल करके छोड़ दिया. द थिंग्स विच आर गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज दैट, आप देखो यहाँ पर सर्कल क्या, आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल हियर. से फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई OMR शीट. इस OMR शीट को मुझे फिल करना है, तो आपको पूरा इसको अच्छे से फिल करना है, सर्कल करना है अच्छे से. ऐसा नहीं ऐसे करके छोड़ दो, नहीं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू आर यूजिंग अ पेंसिल, पेंसिल में एक बार लगा दिया और आपको लगता अरे ये करेक्ट आंसर नहीं है, आपने उसको फिर इरेज किया, अगर प्रॉपरली इरेज नहीं करोगे, इफ यू कैन सी यहाँ पर इंप्रेशन बैठ जाएगा. तो एक OMR रीडर होता है विच इज अ मशीन विच इज वेरी सेंसिटिव, तो जब उसको रीड करेगा ना, उस इंप्रेशन को, उस कार्बन को भी वो रीड कर लेगा. इसलिए ध्यान से सोच समझ के ही देन ओनली मैच दी आंसर ही. चलिए अब फटाफट से लेट्स क्विकली टॉक अबाउट वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर टॉपिक ऑल टुगेदर डिस्कशन. क्वेश्चंस आते रहेंगे लेकिन आपको उसके साथ डिस्कशन भी बहुत जरूरी है. सबसे पहला क्वेश्चन साइंस सेक्शन में हम देख लेते हैं, बायो से रिलेटेड. सबसे पहला चैप्टर दैट इज द सेल, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. आई एम गोना गिव यू सम स्पेस सो दैट यू कैन क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चन एज वेल. जब हम क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या लिखा है. पहला क्वेश्चन करने का सबसे पहला रूल, प्लीज डू नॉट पैनिक. क्वेश्चन को आप एक ही बार पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए. कैसे पढ़ना है, लेट मी हेल्प यू आउट विद दिस. सबसे पहले हमने देखे यहाँ पर क्वेश्चन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी अपैरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स एंड वैक्यूल. पहले तो आपको इन सब के फंक्शन बिल्कुल टिप्स में होने चाहिए, सो दैट आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते टाइम प्रॉब्लम ना हो. अब लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक, दैट इज फ्रॉम A टू E, यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो हियर. इसको नहीं देखना, पैनिक नहीं होना, पहले हम इसको देखते हैं. सबसे पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, द डैश प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव सरफेस एरिया ऑन विच डैश कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस. अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में. प्रोटीन सिंथेसिस किसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है? एवरीबडी नोज कि प्रोटीन सिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन करता है इन सब सेल ऑर्गेनेल्स में से. सबसे ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस प्रीडोमिनेंटली किसका काम होता है? राइबोसोम्स का. ऑफ कोर्स राइबोसोम इज मार्क 5, सो लेट मी मार्क 5 हियर. द डैश प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव सरफेस एरिया. ये राइबोसोम्स आपको कहाँ दिखेंगे? ऑफ कोर्स यू आर गोना सी देम ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. का नाम ही रफ इसलिए बिकॉज उसका रफ अपीयरेंस इसलिए है बिकॉज उसके ऊपर छोटे छोटे आपको ग्रैन्यूल जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे विच इज ऑल्सो और ऑफ कोर्स इज योर राइबोसोम. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक कोर. डैश सिंथेसाइजेस हार्मोन सच एज टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल. ये वो हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल. ये दोनों के दोनों एक स्टेरॉयडल हार्मोन है.
दोनों के दोनों स्टीरॉयडल हॉर्मोन, सब में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इन हॉर्मोन्स को बनाने में हेल्प करता है, सिंथेसाइज करता है, दैट इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको फर्स्ट पार्ट कर देते हैं। देन वी हैव डैश पैकेजेस मटेरियल सिंथेसाइजेस इन द सेल एंड डिस्पैचेस देम, पैक करके भेज देता है, पैक करके भेज देता है, तो पैकिंग मटेरियल एक ही, इन सब में से एक ही काम करता है पैकेजिंग, दैट इज योर गॉल्गी अपैरेटस, फिर टू मार्क कर देते हैं। डैश प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, अच्छा इस चीज का ध्यान रखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस एक डेवलपमेंटल स्टेज होती है जिसमें जब वो छोटा होता है जुवेनाइल उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, जब वो बड़ा हो जाता है वो बिल्कुल अलग दिखता है। फ्रॉग में पहले वो टैडपोल बिल्कुल फिश जैसा दिखता है, अलग सा स्पर्म जैसा दिखता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है इट बिकम्स अ हैंडसम फ्रॉग ऑल टुगेदर। मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा स्टेप होता है जो एक डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर में एक स्टेप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो टेल होती है, फ्रॉग की तो टेल नहीं होती ना, द टेल नीड टू बी सेट लूज, टेल को हटाना पड़ता है, टेल को निकलना पड़ता है, वो एक डेवलपमेंटल क्राइटेरिया, क्या वो छोटे स्टेज से बड़े स्टेज में जाए। तो इसको डाइजेस्ट करने वाला कोई तो सेल ऑर्गेनेल होगा, डाइजेस्ट करने वाला, खाने वाला, खाने से ही पता चलता है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट योर लाइसोसोम्स हियर, लाइसोसोम। तो इन ऑप्शंस के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा, ए इज आर करेक्ट आंसर, द आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वन विच सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनेल्स आर इनकरेक्ट, हमको इनकरेक्ट ढूंढना है, तो इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे, किसको नहीं देखेंगे, पैनिक नहीं होंगे, हम इन चीजों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक बार देखते हैं। पहला ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए, क्या ये ट्रू है, ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया, हमको फॉल्स ढूंढना है जो इनकरेक्ट है, हम इसके आगे लिख देते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया इवन प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके पास अपना ओन डीएनए। सेकंड ऑप्शन, लाइसोसोम्स कंटेन फ्लैट एंड सैक कॉल्ड सिस्टर्नेल, लाइसोसोम के पास सिस्टर्नेल लाइक स्ट्रक्चर्स, फ्लैट सिस्टर्नेल लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है, एक मिल गया हमें, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। थर्ड, पेरोक्सीसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर कैरिंग आउट ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, पेरोक्सीसोम्स एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो स्पेसिफिकली ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस या ऑक्सीडेशंस एंड ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, ये बिल्कुल सही है हमारा। राइबोसोम्स आर ऑलवेज फाउंड अटैच्ड टू द गॉल्गी अपैरेटस, नहीं ऐसा नहीं है, राइबोसोम्स आर नॉट ऑलवेज अटैच्ड टू द गॉल्गी अपैरेटस, राइजोसोम्स जो राइबोसोम्स होते हैं आपको रफ एरिया में भी मिल जाएंगे एंड राइबोसोम्स आपको स्पैरिंगली डिस्ट्रीब्यूटेड भी मिल जाएंगे, तो देखा जाए तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। हमको क्या ढूंढना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, सो अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम गोना गिव यू द प्लेटफॉर्म ताकि आप आराम से ये क्वेश्चन पढ़ सके। क्वेश्चन सेज, सपोज यू एक्सीडेंटली फाइंड एन ओल्ड प्रिजर्व परमानेंट स्लाइड, आपको एक स्लाइड मिली है जिसमें कोई लेबल नहीं है, आपको ये स्लाइड डेफिनेटली आइडेंटिफाई करनी है, बट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इट यू हैव टू प्लेस और यू प्लेस दिस स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप और आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं। अगेन हमें ये ऑप्शंस नहीं देखने हैं, हमें पहले ये चीजें देखने हैं जो क्वेश्चन है। जो स्लाइड आपने ध्यान से देखी माइक्रोस्कोप के नीचे, आपको क्या दिखा कि वो पहले तो यूनिसेलुलर है, दूसरी चीज उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो ऑफ कोर्स ये जनरली बैक्टीरिया तो हो ही नहीं सकता, मोनेरा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। दूसरी बात, बायफ्रेजिलेट है, बायफ्रेजिलेट ऐसे है कि बायफ्लैजिला, फ्लैजिला मीन्स जो ऐसा स्ट्रक्चर निकल रहा होता है, फ्लैजिला बाय मीन्स दो फ्लैजिले, एक लंबा फ्लैजिले है और एक ऐसा ही छोटा सा फ्लैजिले निकल रहा है, तो ये एक यूनिक फीचर होता है जो आपको युग्लिना के केस में दिखता है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, क्या ये डायएटम है, फंजाई है, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि इसमें बायफ्लैजिलेट का मतलब बोला गया है कि एक लंबा फ्लैजिला है एक छोटा फ्लैजिला है, दिस इज अ वेरी एविडेंट स्ट्रक्चर विच यू विल फाइंड इन योर युग्लिना। दूसरी,
क्या ये ट्रैपेनोसोमा मोनेरा है? नहीं, मोनेरा मींस बैक्टीरिया, ऑफ कोर्स इट डजंट हैव बिकॉज इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। थर्ड, पैरामिशियम एनिमेलिया, ऑफ कोर्स नॉट, उसके पास फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। फाइनली वी आर और वी हैव बीन लेफ्ट विथ योर युग्लिना। सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी योर युग्लिना, ऑप्शन डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि एक आपको छोटा सा एक फ्लो चार्ट दे रखा है, ब्यूटीफुल सा। फिर से पैनिक नहीं होना, फ्लो चार्ट को पहले ध्यान से देखेंगे, फिर देखेंगे हमारे पास क्वेश्चंस क्या है। इन्होंने बोला है, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस का ध्यान रखते हैं हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं ध्यान से। पहले देखते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं। राइट नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट योर प्लांट टिश्यू। अगर हम प्लांट टिश्यू को ध्यान से देखते हैं, प्लांट टिश्यू जनरली आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक तो होते हैं अ सिंपल टाइप ऑफ सेल, जो एक ही सेल के बने होते हैं, दैट इज योर सिंपल टिश्यू। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से बना होता है। कॉम्प्लेक्स में आप जनरली क्या पढ़ते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। और आपका सिंपल टिश्यू में जनरली व्हाट यू टॉक अबाउट इज योर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड योर क्लेरेन्काइमा। इस बेसिस में आप उसको पढ़ते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि पी क्यू आर एस ध्यान से पढ़िए एंड उसके बेसिस में आप इसको आंसर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन और द स्टेटमेंट, इट इज अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ, इट इज इन अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ सेल डिवीजन। अगर वो सेल डिवीजन के कंटिन्यूस स्टेट में है, डेफिनेटली वो ये जो पी है, पी इज द वन विच फॉल्स अंडर द मेरिस्मेटिक जोन। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जैसे आपका यू हैव योर पैरेन्काइमा, जिसमें कंटिन्यूसली टिश्यू डिवाइड करता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू हो। लेट्स सी ये पी के लिए बोल क्या रहा है। पी कुड बी द टिश्यू व्हिच इज प्रेजेंट इन रूट टिप्स एंड शूट टिप्स। ऑफ कोर्स पी जो आपका पी है, पी के लिए पर्टिकुलरली बोला है कि ये ऐसा है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। सो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पी के रेस्पेक्ट हमको इनकरेक्ट निकालना है। नेक्स्ट, जो टिश्यू क्यू है could be primarily responsible for the storage of food. ठीक है, storage of food के लिए आपका predominantly parenchyma required होता है। पहले हम देख लेते कि P के support में statement है क्या? Sorry, Q के support में statement है क्या? Q क्या कह रहा है? It is made up of only one type of cell, which is very much true. That is the reason it is the parenchyma cell. Q parenchyma cell है और parenchyma cell का predominantly function क्या होता है? To store. देखा जाए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पी क्यू हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब आर के रेस्पेक्ट में वो पूछ रहा है। टिश्यू आर कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखा जाए तो ये बाई डायरेक्शनल बोल रहा है और इसके लिए हमारा जनरली कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन्वॉल्व होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लोएम वो होता है जो फूड, फूड फ्लोएम जो बाई डायरेक्शनल वे में आपका खाना ले जाता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये आपके लिए किसके लिए बात कर रहा है? इट इज प्रीडोमिनेंटली टॉकिंग अबाउट योर फ्लोएम। लेट्स सी इसके सपोर्ट में ये आर वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। आर शुड बी और इट इज अ कंडक्टिंग टिश्यू इन विच फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज बाई डायरेक्शनल, विच इज ट्रू। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट योर फ्लोएम हियर। देखा जाए आर और ये वाला स्टेटमेंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब लास्ट का स्टेटमेंट देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि जो टिश्यू एस है कुड बी मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ डेड सेल, वन टाइप ऑफ डेड सेल। लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर ये वन टाइप ऑफ डेड सेल के बारे में बात कर रहा है, तो डेड सेल वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बात करते हैं। देखते हैं कि एस वाला जो स्टेटमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। एस इज अ कंडक्टिंग टिश्यू विच ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए आपके पास होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसको हम जनरली बोलते हैं जाइलम। वो कंडक्टिंग ऑफ वाटर में भी हेल्प करेगा, कंडक्टिंग सिस्टम में, और थोड़ा बहुत वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। लेकिन वो डेड नहीं होता है प्रीडोमिनेंटली, जैसे यहाँ बोला गया है कि वो पूरा का पूरा सेल ही डेड है, स्क्लेरेन्काइमा नहीं है। तो देखा जाए तो ये एक दूसरे को, ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना था। According to this, the correct answer would be option D here. Let's quickly move on to our next question.
Next question says, following are some characteristics of the three divisions of kingdom plantae. किंगडम प्लांटे में हमारे पास ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा है. देखा जाए तो अगर देखो उस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में देखे तो पहले थैलोफाइटा आएगा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा आएगा. ये सारे आपको गिवन ऑप्शंस है यहाँ पर, और इसी बेसिस में हमें चूज करना है कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा में कौन कौन से ऑप्शन फिट बैठते हैं. वन बाय वन करेंगे, ज्यादा पैनिक नहीं होंगे. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जब हम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहला फीचर है सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर. तो ये यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन आपको किस में मिलेगा? यू आर गोइंग टू फाइंड इट आउट इन थैलोफाइटा. धीरे धीरे मैं आपको लिखकर बता रही हूँ. टी स्टैंड्स फॉर थैलोफाइटा. देन नॉन वैस्कुलर. नॉन वैस्कुलर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तब जाकर टेरिडोफाइटा होगा. तो वैस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है प्रॉपर जाइलमन फ्लोएम. अगर प्रॉपर जाइलमन फ्लोएम तो वो हाइट भी अटेन करेंगे. तो ये जो नॉन वैस्कुलर है, दैट मीन्स उनके पास प्रॉपर जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग सिस्टम नहीं है. दैट मीन्स ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट योर थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा टुगेदर. थैलोफाइटा कर देते हैं और ब्रायोफाइटा कर. टी फॉर थैलोफाइटा, बी फॉर ब्रायोफाइटा. देन वी हैव लैक ट्रू लीव्स एंड रूट्स. ट्रू लीव्स एंड रूट्स ऑफ कोर्स कंप्लीट ट्रू लीव्स एंड रूट्स नहीं होते हैं. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम अगेन बात कर रहे हैं थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा. क्योंकि टेरिडोफाइटा के बाद जो आता है दैट इज योर जिम्नोस्पर्म्स, देन यू हैव योर एंजियोस्पर्म्स. तो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है. अब आता है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज योर एम्ब्रियो फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. थैलोफाइटा में नहीं मिलेगा, बट आपको ये फीचर ब्रायोफाइटा में धीरे धीरे एंड देन टेरिडोफाइटा में भी मिलेगा. सो दिस इज द वन व्हिच यू आर गोना फाइंड इन ब्रायोफाइटा एंड योर टेरिडोफाइटा. ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में आपको ये मिलेगा. फोटो ऑटोट्रॉप्स. फोटो ऑटोट्रॉप्स देखा जाए तो सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं. सो यू आर गोना फाइंड इन योर हैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड देन टेरिडोफाइटा, तीनों में आपको मिलेगा. सिक्स्थ वन इज द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीट्राइकम एंड फनेरिया. दिस इज द वन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट योर ब्रायोफाइट्स के बारे में हम बात. Seventh one says sporophyte is a parasite or a parasitic over gametophyte. So ye jo unique feature hai, ye kiska unique feature hai? This is the unique feature of your halophyta and bryophyte. Then we have certain examples. Examples are hydrodiction, that is your laminaria. Aur ye aapko laminaria kisme milega? The best example would be your bryophyte, halophyta. थैलोफाइटा में आपको ये मिलेगा. तो अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस हियर द करेक्ट मैच शुड बी, पहले देख लेते हैं थैलोफाइटा में क्या क्या आ रहा है. थैलोफाइटा में आ रहा है 1, 2, 3, 7 and 8. 1, 2, 3, we have 5 also. 1, 2, 3, 5, 7 and 8. 1, 2, 3, 5, 7 and 8. So this is the one. Let's see the correct answer now. Correct answer is option C here. Quickly moving on to the next question that we have here is, ek aapko picture de rakha hai aur us picture pe basis pe now they will be asking certain questions. Let's quickly first look into the question. Select the incorrect statement. This is the one which has to be very evident. Aapko yaad rakhna hai incorrect statement. Select the incorrect statement regarding the given organism. पहले तो इन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे. सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ स्पंज विच बिलोंग्स टू फाइलम पोरीफेरा. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है. अगर एक स्पंज का ये वाला डायग्राम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, स्पंज का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है स्पंजला या फिर स्पॉन्जोसील. अगर उसका स्ट्रक्चर को देखें, स्पॉन्जोसील होते हैं उसमें, और उसके पास ऑस्क्यूलम होता है, ऑस्टिया होता है. स्पंज होते हैं तो पोर्स होते हैं, इसलिए पॉरीफेरा बोला गया. पॉरीफेरा वाला ऑर्गेनिज्म सबसे लोएस्ट फॉर्म का, नॉन कॉर्डेट, जिसके पास बैकबोन नहीं है. सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें,
सेकेंड ऑप्शन को बोला जाता है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। सेकेंड ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें, हमको ना लीव द फ्रेम, अगर आप ध्यान से देखेंगे इट इज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, जिसको जनरली इसका साइंटिफिक नेम होता है फाइसेलिया, फाइसेलिया। और ये जो फाइसेलिया होता है, जिस पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, इट एक्चुअली बिलोंग्स टू फाइलम सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, इट बिलोंग्स टू फाइलम सिलेंट्रेटा। ये इसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका अपीयरेंस ही ऐसा है, ये दिखता ही ऐसा है स्ट्रक्चर। ये जनरली जो पोर्तुगीज जो वॉर में जाते थे तो वहां पर वो दे यूज टू वेयर अ हैट लाइक स्ट्रक्चर, तो ये जनरली उसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पानी में ऐसे लगता है, पानी में अगर ये बहुत सारे दिख जाते हैं सिलेंट्रेट्स बहुत सारे दिख जाते हैं, तो ऐसे लगता है कि भैया जो पोर्तुगीज वॉर में जो जितने भी सोल्जर्स थे वो ऐसे ही हैट पहनते थे, तो वो ऐसे ही दिखते, इसलिए इसका नाम पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बना है। देन दिस स्ट्रक्चर, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रक्चर विच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। दिस इज समथिंग, लेट मी राइट डाउन हियर, थर्ड वन कैसा दिख रहा है, थर्ड वन बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा अगर आपको याद है, आर्थ्रोपोडा को जनरली आप वो बोलते थे जॉइंटेड अपेंडेजेस वाला, तो इसमें इस स्ट्रक्चर में आपको सारे के सारे ये जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले दिखेंगे, लेकिन अभी भी इनके पास ऐसा कोई बैकबोन जैसा स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि ये अभी भी नॉन कॉर्डेट्स में, कॉर्डेट हम लोग हैं जिनका बैकबोन है, जिनका प्रॉपर स्ट्रक्चर है वर्टिब्रल कॉलम। सिमिलरली अगर फोर्थ वाला देखेंगे, फोर्थ वाले को तो सब जानते हैं, डेविल फिश है, ऑक्टोपस है, दिस इज अ डेविल फिश, और दिस इज द वन विच इज एक्चुअली अ श्रिम्प, ये श्रिम्प है, ये आपका डेविल फिश है जो कि ऑक्टोपस है, एंड इट बिलोंग्स टू अ फाइलम विच इज कॉल्ड मोलस्का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो फोर्थ वन है, दिस फोर्थ वन हैज अ वेरी यूनिक नेम, द फोर्थ वन इज नोन एज ब्रिटल स्टार विच इज ऑफियूरा। इसको जनरली ऑफियूरा इसका साइंटिफिक नेम है, ब्रिटल स्टार है, एंड दिस ब्रिटल स्टार बिलोंग टू अ फाइलम विच इज कॉल्ड एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा को ये बिलोंग करता है। ये तो अब आपने देख लिया, सबको पहचान लिया, अब हम जरा देखते हैं ऑप्शंस पे क्या पूछ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ऑर्गेनिज्म वन पोजेस क्वानोसाइट्स वेयर ऑर्गेनिज्म फाइव वो प्रोसेस वॉटर वैस्कुलर सिस्टम, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं, ऑर्गेनिज्म फर्स्ट, इनकरेक्ट वन दैट वी नीड टू फाइंड। ऑर्गेनिज्म वन प्रोसेस क्वानोसाइट वेयर एज ऑर्गेनिज्म फिफ्थ प्रोसेस वॉटर वैस्कुलर सिस्टम। इसके पास दिस इज एक चीज याद रखिएगा, व्हेन वी टॉक अबाउट पोरीफेरा, पोरीफेरा एंड एकाइनोडर्मेटा में एक चीज अंडरलाइन फीचर है जो याद रखिएगा, इट हैज वॉटर कैनाल सिस्टम एंड दिस वन हैज वॉटर वैस्कुलर सिस्टम। दोनों में बहुत डिफरेंस है, कैनाल सिस्टम इज डिफरेंट एंड वैस्कुलर सिस्टम इज डिफरेंट। कैनाल सिस्टम वैस्कुलर, दिस वन एकाइनोडर्मेटा वैस्कुलर सिस्टम। और हाँ, इसके पास क्वानोसाइट्स होते हैं बिकॉज क्वानोसाइट्स आर दी मेन स्ट्रक्चर जो बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं, फूड कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स में बहुत सारी चीजों में ये हेल्प करते हैं। देखा जाए हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, बट हियर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन क्या पूछ रहा है, सेकेंड वन इज आस्किंग ऑर्गेनिज्म थ्री इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल वेयर एज ऑर्गेनिज्म, सॉरी ऑर्गेनिज्म टू इज डिप्लोब्लास्टिक वेयर एज ऑर्गेनिज्म थ्री इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। टू डिप्लोब्लास्टिक है और थ्री ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अग्रीड। जब हम डिप्लो ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में बात करते हैं, वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट द जर्म लेयर, जिसके पास एंडोडर्म एक्टोडर्म है दैट इज अ डिप्लोब्लास्टिक लेयर, और जिसके पास तीनों जर्मिनल लेयर्स है एंडो एक्टो मीजोडर्म, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो देखा जाए तो ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट होना है। देन वी हैव द सी ऑप्शन, ऑर्गेनिजम्स थ्री फोर्थ एंड फिफ्थ, थ्री फोर्थ एंड फिफ्थ आर यूसिलोमेट्स। ऑफ कोर्स
टीलोमेट तो उसका मतलब होता है जिसके पास प्रॉपर बॉडी कैविटी हो, टीलोमेट होता है। तो ये सारे के सारे तीनों सिलोमेट कैटेगरी में फिट होते हैं, विच इज दी नाउ टीलोमेट स्ट्रक्चर। देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑर्गेनिजम्स फोर्थ एंड फिफ्थ पोजेस नोटोकॉर्ड। बैकबोन तो है ही नहीं के पास। नोटोकॉर्ड मीन्स दे आर रेफरिंग टू द वर्टिब्रल कॉलम, दे आर रेफरिंग टू द बैकबोन विच दे डू नॉट हैव। बैकबोन वाला जो सिस्टम होता है वो जनरली जो वर्टिब्रेज आते हैं, वर्टिब्रे में आपके फिशेज आ जाएंगे, वर्टिब्रे में फिर फाइनली क्लासेस आ जाएंगी, वर्टिब्रेटा के बाद क्लासेस आ जाएंगी, जिसमें क्लासेस में आपके एव्स होंगे, एम्फीबियंस होंगे, रेप्टाइल्स होंगे, मैमल्स होंगे, ये सारे। तो देखा जाए तो ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स या फिर नॉन वर्टिब्रेट्स है जिनके पास एक बैकबोन, एक वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। देखा जाए हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना था, सो दिस इज द वन व्हिच इज इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी हियर, ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज फ्रॉम अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल, व्हिच जनरली इज योर ह्यूमन डिजीज है। जब हम व्हाई डू वी फॉल इल के बारे में बात करते हैं, एक बार फटाफट देख लेते हैं ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। व्हाट इज दिस क्वेश्चन ट्राइंग टू आस्क। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स ईच विथ वन ऑफ और टू ब्लैंक एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन फोर ऑफ देम। पहले हम इसको आराम से पढ़ेंगे, इसको भरेंगे, फिर इसके रेफरेंस में ये देखेंगे। एक बार सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है दैट टी कॉजेस अल्सर इन स्टमक एंड डियोडिनम। अल्सर इन स्टमक एंड डियोडिनम, इसको करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज अल्सर एंड डियोडिनम, इसी में मिल जाएगा आपको आंसर, दैट इज योर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वो होता है जो आपको स्टमक अल्सर और डियोडिनम में अल्सर्स कॉज करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्यू। क्यू इज आस्किंग, क्यू डिजीजेस लास्ट फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बट दे आर वेरी सीवियर। एक ऐसा डिजीज होता है जिसको हम जनरली बोलते हैं एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज ऐसा होता है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है लेकिन बहुत ज्यादा सीवियर होता है। तो क्यू किसको रेफर कर रहा है? एक्यूट डिजीज को रेफर कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या पूछ रहा है। आर इज कॉज बाय हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। जब हम थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, थायराइड ग्लैंड में हाइपो सिक्रेशन भी होता है, हाइपर सिक्रेशन। हाइपर मीन्स ज्यादा और हाइपो मीन्स कम सिक्रेशन। अगर देखिए थायराइड ग्लैंड है, थायरोक्सिन हार्मोन है, दैट मीन्स उसको आयोडीन से रिलेटेड काम, आयोडीन होगा तभी वो ये अपना हार्मोन बना पाएगा। वो हार्मोन एक्सेस में बनेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, वो हार्मोन कम बनेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। हाइपर मीन्स एक्सेस, आर इज कॉज बाय हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड एस इज कॉज बाय हाइपो सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। आपको पता है कि हाइपो सिक्रेशन का क्या मतलब है? जब हम हाइपो का बात करते हैं, हाइपो का मतलब जब कम सिक्रीट हो रहा है, दैट मीन्स आयोडीन की डेफिशिएंसी है बॉडी में। जनरली हम बोलते हैं कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है और उसका जो सीवियर फॉर्म होता है उसको बोलते हैं मायोक्सीडीमा। ओडीमा भी बोलते हैं, मायोक्सोडीना भी बोलते हैं, मायोक्सीडीमा भी बोलते हैं। वो होता है उसका बहुत ज्यादा एक सीवियर इफेक्ट, मतलब अगर आपके खाने में आयोडीन ही नहीं है तो थायरोक्सिन हार्मोन कैसे बने। सिमिलरली अगर हम आर के बारे में बात करें, आर इज कॉज बाय द हाइपर सिक्रेशन। अगर एक्सेस अमाउंट में आयोडीन सिक्रीट हो रहा है थायराइड ग्लैंड में तो जनरली एक डिजीज होती है जिसको बोला जाता है एक्सोथैल्मिक गोइटर। हाइपर के लिए, हाइपर सिक्रीशन के लिए होता है एक्सोथैल्मिक गोइटर, जिसमें जनरली आंखें भी एकदम से बाहर निकल जाती है, बल्ज आउट स्ट्रक्चर दिखता है, और एक्सोथैल्मिक गोइटर जिसका दूसरा नाम ग्रेव्स डिजीज भी है, जिसका दूसरा नाम ग्रेव्स डिजीज हो गया। ये हमारा एस से हो गया हमारा मायोक्सिडिमा, हाइपो की वजह से, हाइपर सिक्रीशन की वजह से एक्सोथैल्मिक गोइटर या फिर ग्रेव्स डिजीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ वन। डेंगी फीवर कॉजिंग माइक्रोब्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मस्कीटो से होता है।
लेकिन डेंगी है तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट योर एडीज मॉस्किटो, अग्रीड। वैसे ही जो स्लीपिंग सिकनेस होता है, इट इज कॉजिंग, स्लीपिंग सिकनेस कॉजिंग माइक्रोब्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड, ऑफ कोर्स ये भी एक मस्कीटो से होता है। तो मस्कीटो, मोर देन मस्कीटो आई वुड से इट्स नॉट एग्जैक्टली मस्कीटो, इट्स एक्चुअली अ फ्लाई, द नेम ऑफ द फ्लाई इज टेसे फ्लाई, टेसे फ्लाई से होता है, टेसे फ्लाई से उसकी वो स्लीपिंग सिकनेस फैलाता है। एंड दिस इज अ प्रोटोजोअन, इट इज अ प्रोटोजोअन पैरासिटिक डिजीज। स्लीपिंग सिकनेस अफ्रीकन ट्राइकोमोनासिस बोलते हैं, इट्स एक्चुअली अफ्रीकन या फिर आप स्लीपिंग सिकनेस बोल देते हैं, इट इज एक्चुअली अ प्रोटोजोअन पैरासिटिक डिजीज विच इज बीइंग, प्रोटोजोअन है विच इज बीइंग कैरिड बाय सेसे फ्लाई। एक बार देख लेते हैं सारी चीजें आराम से, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखें तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी हियर, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। Let's move on to the next question, which is coming from your natural resources. Which of the following is or are incorrectly matched? Incorrectly, इन चीजों का ध्यान रखिएगा, कभी गलत नहीं कर दें. Incorrectly matched. First option, to reduce harmful use, harmful चीजें को reduce करने के लिए use catalytic converter gases emitted by vehicles. Harmful gases को अगर reduce करने के लिए तो कैन वी यूज कैटलिटिक कन्वर्टर गैसेस एमिटेड बाय व्हीकल, क्या ये उसके ऑप्शन में यूज कर सकते हैं? इनकरेक्ट ढूंढना है हम, ऑफ कोर्स दैट मींस हार्मफुल गैसेस को रिलीज करने से पहले इट कैन बी इजीली, दैट मींस आप व्हीकल्स जैसे सीएनजी होता है, सीएनजी आप यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ट्रू यू कैन यूज एन अल्टरनेटिव। ग्रीन हाउस गैस में क्या ऑक्सीजन आता है? हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ग्रीन हाउस गैस में आपको ऑक्सीजन नहीं। थर्ड ऑप्शन, टू प्रिवेंट ऑफ द सी, दैट मींस सी कुछ तो उसको प्रिवेंट करना है, टू प्रिवेंट ऑफ द सी एजुकेट द पीपल पब्लिक पॉल्यूशन एंड नॉट थ्रो द लिटर और डंप रिफ्यूज इनटू द सी, टू प्रिवेंट द पॉल्यूशन ऑफ द सी। ऑफ कोर्स आपको लोगों को एजुकेट करना जरूरी है कि अपना डंप वहां पर ना फेंके, तो देखा जाए तो एजुकेशन इज अ मस्ट एंड वी ऑल मस्ट फॉलो दिस, नॉट ओनली फॉर योर सी, इट्स ओन, इट्स फॉर एवरीथिंग, यू हैव योर रोड्स, यू हैव योर गार्डन्स, वन मस्ट नॉट पॉल्यूट, तो देखा जाए ये भी सही है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, हमारे पास अभी ऑप्शन टू आ गया है। नेक्स्ट वन, एसिड रेन सीएफसी से होता है। एसिड रेन सीएफसी से डायरेक्टली नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए सीएफसी मेजरली रिस्पॉन्सिबल होता है। एसिड रेन बहुत अदर फैक्टर्स से होता है, हार्मफुल गैसेस से होता है, पॉल्यूटेंट गैसेस से होता है, बट सीएफसी इसका डायरेक्ट कॉज, वन ऑफ द डायरेक्ट कॉज नहीं है। तो इन सारे ऑप्शन में से 1, 2, 3, 4, और ये जो ऑप्शन दे रखा है, ए कह रहा है कि सिर्फ 2 इनकरेक्ट है विच इज नॉट, बी कह रहा है सिर्फ 3 इनकरेक्ट है विच इज नॉट, सी सेइंग कि सेकंड एंड फोर्थ यहाँ लगा देती हूँ मैं, और डी कह रहा है कि सारे के सारे गलत। एक बार देख लेते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या है। सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन 2 and 4, दे आर इनकरेक्ट। Now, let's quickly move on to the another question. The another question is coming up from improvement in food resources. Improvement in food resources mein simple question mein ye pucha gaya hai. Read the giving statements and select the option that correctly identifies them as true and false. One. Itne sare statement de rakhe hain, to hume pehle ye dheere dheere hum ye pata karte hain ki kaun sa statement true hai, kaun sa false hai, tab hum isme se identify karenge. Let's first move on to the first option. First option ये बोल रहा है कि जो एफिड्स और लीफ हॉपर्स होते हैं,
They are sucking insects, whereas locusts and grasshoppers are chewing insects. Yes, they are all dependent on the leaf and everything. तो जो एफिड्स और लीफ हॉपर्स होते हैं वो यस ट्रू वो सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, जबकि जो लोकस और ग्रास हॉपर्स होते हैं च्यूइंग इंसेक्ट होते हैं। लोकस आदि वन जो प्रीडोमिनेंटली ग्रिगेरियस होते हैं, झुंड में आते हैं और बहुत ज्यादा क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, खाते हैं, इनको पसंद है इसलिए खाते हैं। तो यस दिस वन इज एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू हियर। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं वो क्या पूछ रहा है। Exotic breed which is very popular for egg laying but is not ideal for meat production. क्या ये true है या false है? जो exotic breed है जैसे say for example Leghorn, हल्का होता है, light weighted होता है, ये egg layers के लिए use होता है, but yes meat के लिए generally हम उसमें पोल्ट्री को चूज करते हैं जो थोड़ा सा हैवी होता है, जिसमें मीट कंटेंट ज्यादा होता है। लेकिन जो व्हाइट लेगोन होता है ये थोड़ा सा हल्का होता है और जनरली इसको एग लेयर्स की तरह ही यूज किया जाता है। तो देखा जाए एग्जॉटिक ब्रीड विच इज वेरी पॉपुलर फॉर एग लेइंग बट इज नॉट आइडल फॉर मीट प्रोडक्शन इज लेगोन। सो दिस इज वेरी मच ट्रू, ये भी ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ सर्टेन एल्गे with roots of higher plants. देखा जाए तो ये सही है, सिर्फ इसमें एक चीज डिफरेंस है कि जो माइकोराइजा है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, बट इट डज विद नॉट विद एल्गे बट इट डज इट विद योर फंजाई। हमें क्या ढूंढना है, हमें ट्रू एंड फॉल्स आइडेंटिफाई करना है। तो इसको हम डिफरेंट कलर से ले लेते हैं, दिस इज द वन व्हिच इज फॉल्स, क्योंकि माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है हायर प्लांट्स के साथ, लेकिन वो फंगस से रिलेटेड है, नॉट विद रिलेटेड टू योर एल्गे। लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट, व्हाट डज इट से। फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, यस फर्टिलाइजर्स को न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक बनाया ही जाता है, क्योंकि जो आपका मैन्योर होता है इट इज नॉट पर्टिकुलरली न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक बट यस ऑर्गेनिक होता है। ये देखें तो ये भी ट्रू है हमारा। नेक्स्ट, रेड सिंधी इज इंडिजिनस broad breed of cow, whereas Holstein Friesian is an exotic milch breed of cow. जब milch बोला जाता है ना, draught उसलिए बोला जाता है जो heavy structured के होते हैं, जो heavy materials को इधर से उधर, जो farming land के लिए ज्यादातर use होते हैं। milch का मतलब होता है जो milk production के लिए use हो। ध्यान से देखिए, it's very tricky question but also very interesting. Red Sindhi, Sahiwal सब जानते हैं, it's an indigenous breed. Red Sindhi, Sahiwal indigenous breed है, but it is not a draught one. It is also a milch. ये भी milch है, milk yielding है। देखा गलत statement मिल गया, ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें पता चलेंगी। तो देखा जाए तो ये हमारा incorrect है। Holstein Friesian of course exotic breed है जो milch की category में आता है। देखा जाए तो ये option मेरा false है, ये मेरा option false है। अगर हम ध्यान से देखेंगे इन ऑप्शंस को, आप ध्यान से देखिए, देखिए ऐसा करने से आपके लिए इजी हो जाएगा ना ढूंढना, अगर एक 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 ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है। इसमें से करेक्ट आंसर अगर हम देखें, सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन बी। फर्स्ट ट्रू है, सेकेंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है, फोर्थ ट्रू है और फिफ्थ भी आपका फॉल्स है। तो देखा जाए हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ही है। रेड सिंधी साहिवाल आपका मिल्च कैटेगरी में आ जाता है। माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, लेकिन किसके साथ, फंजाई के साथ। और जो हायर प्लांट्स होते हैं ना, हायर प्लांट्स पे जिम्नोस्पर्म्स आ सकता है। क्विकली मूविंग अहेड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज कमिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉय। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक आपको ये एक वेन डायग्राम दिया है, घबराना नहीं, धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे। रेफर टू दिस वेन डायग्राम और इसमें से इनकरेक्ट, यस इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन करने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि वो करेक्ट या इनकरेक्ट पूछ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग यू जस्ट कैरी फॉरवर्ड। आगे देखिए, कॉस्ड बाय अ वायरस, कॉस्ड बाय अ वायरस, अब देखते हैं किस डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। कॉस्ड बाय अ वायरस कम्युनिकेबल है, ट्रांसमिटेड थ्रू वेक्टर, वेक्टर है तो ऑफकोर्स वी must be talking about certain diseases.
वेक्टर मीन्स एक व्हीकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कॉज बाय अ प्रोटोजोअन। थोड़ा बहुत हिंट तो आपको पता चल गया, लेकिन एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है क्यू कुड बी अ डिजीज दैट इज कॉमनली ट्रीटेड बाय अ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। अग्रीड। प्रोटोजोअन है तो प्रोटोजोअन ऑफ कोर्स प्लाज्मोडियम। मलेरिया, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए आप जो मेडिसिन लेते हैं विच इज फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। देखा जाए ये ऑप्शन करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। ये ऑप्शन हमारा ट्रू है कि हाँ क्यों आपका ऐसा डिजीज हो सकता है जिसको ट्रीट करने के लिए सिंकोना, बार्क ऑफ सिंकोना ट्री, जिसको हम क्यूनाइन बोलते हैं, मेडिसिन बहुत कड़वा होता है, इट इज वेरी बिटर इन टेस्ट बट वेरी इफेक्टिव, जो कि मलेरिया के टाइम में हम जनरली यूज। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, टी कुड बी अ डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड बाई दी बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। टी वायरस, वायरस से हो रहा है तो ऑफकोर्स वायरस है तो यस एडीज मॉस्किटो डेंगी फैला सकता है, दिस कैन ऑल्सो बी ट्रू। Then we have C option. T could be a disease characterized by severe joint pains and sudden onset of high fever, whereas Q could be sleeping sickness. अगर आपको याद है, sleeping sickness is a disease or disease in the sense sleeping sickness होने के लिए आपका जो vector involved होता है वो होता है say safely, but it is also a protozoan parasite की वजह से होता है। African trichomoniasis, parasite जो होता है वो protozoan होता है, तो Q protozoa से हो सकता है, true। अगर P को देखें, P अगर malaria है, अगर P virus है, virus का मतलब we are talking about dengue, dengue के बारे में बात कर रहे हैं, तो of course उसमें एकदम से बुखार आना लग जाता है, हाथ पैर में दर्द होने लग जाता है, तो P भी सही है, हमें incorrect ढूंढना है। D is the none of these, अगर देखा जाए तो सारे के सारे हमारे सारे के सारे करेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोई भी नहीं है, तो अगर देखा जाए आंसर शुड बी none of these। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं ना, एकदम से हमें आ जाता है कि इरिगेशन सिस्टम आ जाता है, मेन्योरिंग सिस्टम आ जाता है, कि भैया खरीफ और रबी क्रॉप्स कौन से होते हैं, ये सारे के सारे क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेट्स क्विकली लुक इनटू द क्वेश्चंस दैट वी हैव। फर्स्ट क्वेश्चन सेज रीड द गिविंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है इन स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ, स्प्रिंकलर रहते हैं ना गार्डन में लगाते हैं, बीच में लगा देते हैं, तो हर जगह कोने कोने में वो पानी पहुंचा देता है। स्प्रिंकलर सिस्टम जनरली तब लगाया जाता है जब आपका अनइवन लैंड होता है, जैसे आपका गार्डन एरिया होता है, वहां पर जनरली स्प्रिंकलर लगा दो तो कोने कोने तक पानी पहुंच जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली रूट्स के पास नहीं पहुंचता। स्पेसिफिकली रूट के पास जब पानी पहुंचाते हैं, वहां पहुंचाते हैं जहां पर स्कैसिटी ऑफ वाटर होता है, तो वी आर प्रीडोमिनेंटली टॉकिंग अबाउट योर ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी रूट्स को मिलता है। स्प्रिंकलर तो रैंडमली हर जगह, ग्रास जनरली ग्रास के लिए वो पानी हर जगह फेंकता। ऑप्शन देख लेते क्या कह रहा है। इन स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन एमिटर्स लेट आउट ट्रिकलिंग वाटर नियर द रूट्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि ट्रिकलिंग जो होता है, ट्रिकलिंग इज द वन व्हिच इज ट्रिकल दैट इज ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो वो कौन भेजेगा, वो भेजता है आपका ड्रिप इरिगेशन, फॉल्स है हमारे। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, रिमूविंग द शाफ्ट फ्रॉम ग्रेन इज कॉल्ड विनोइंग, व्हाइल सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द क्रॉप इज कॉल्ड क्रशिंग। क्रशिंग होता है ना, ऐसे मार मार के क्रश करके निकालते हैं, विच इज ट्रू। विनोइंग इज लाइक विद द हेल्प ऑफ दैट स्ट्रक्चर यू डू इट, एंड देन लाइटर पार्ट उधर गिर जाता है, तो हैवी पार्ट होता है वो सीधा नीचे गिर, इजीली सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द ग्रेन। तो देखा जाए ये बिल्कुल ट्रू है। Then we have third option. The organic substance obtained from dead plants and animal waste is called manure. Organic है, nutrient specific नहीं होता, but this is very organic. So of course कोई chemicals नहीं होते, this is very much true. अब आता है fourth option. Wheat and gram are rabi.
wheat and gram are rabi crops while maize and mustard are kharif. एक बार हम देख लेते हैं. wheat, gram, maize, mustard and ये सारी चीजें पहले एक बार यहां लिख देते हैं. रबी क्रॉप और आपका खरीफ. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. When we talk about your rabi, rabi में क्या आ जाएगा? Wheat, gram, mustard, ये सारे rabi में आ जाएंगे. Rabi में आ जाएगा wheat, gram, mustard, ये आ जाएंगे आपके rabi में. और खरीफ में आ जाएगा paddy, maize, cotton. कुछ examples लिख देती हूँ. Paddy, maize, cotton. अब ध्यान से देखते हैं क्या पूछा है इसमें. वीट ग्राम आर रबी क्रॉप्स. वीट ग्राम रबी क्रॉप्स है, ट्रू. व्हाइल मेज एंड मस्टर्ड आर खरीफ. मेज एंड मस्टर्ड, मस्टर्ड तो आपका रबी क्रॉप है. तो देखा गया कि आपका जो इनकरेक्ट है, दिस इज द स्टेटमेंट व्हिच इज इनकरेक्ट. हमको क्या करना है, हमको करेक्ट आंसर इसमें ढूंढना है. अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन गिवन, क्या ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड या फोर्थ करेक्ट है. ध्यान से देखिए, ट्रू स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास सेकंड है और करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड है. ऑप्शन के अकॉर्डिंग इट शुड बी ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्विकली लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This next question is from the chapter Reaching the Age of Adolescence. Reaching the Age of Adolescence is a modern version of talking about hormones. Hormones mein endocrine glands, exocrine glands aa jaate hain. Endocrine glands jinke paas pouch nahi hota, ductless hote hain, aur exocrine use bola jata hai jo duct glands hote hain. Exocrine glands jinke paas pouch hota hai, wo generally chemicals ya fir enzymes secrete karte hain. जबकि एंडोक्राइन उसे बोला जाता है जो प्रीडोमिनेंटली हॉर्मोन्स से रिलेटेड है. एंडोक्राइन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया. देखा जाए तो ये दोनों काम करते हैं. ये आपके कुछ केमिकल्स एंड एंजाइम्स भी रिलीज करेंगे, अलोंग साइड दैट वो लोग हॉर्मोन्स भी रिलीज. कुछ यहाँ पर थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट की क्वेश्चन पूछ क्या रहा. इफ यू कैन सी देयर इज अ ब्यूटीफुल, लेट्स टॉक अबाउट इट. पिक्चर में आपको साफ दिख रहा है पी आर एस क्यू दिख रहा है. पहले हम देख लेते हैं पी आर एस क्यू है क्या. पी, व्हेन वी टॉक अबाउट पी, इट इज द पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड है. एंड यू नो पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, एंड मास्टर का मास्टर ग्लैंड इज योर हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड. और आपका पहले जो मास्टर ग्लैंड था दैट इज पिट्यूटरी. मतलब पिट्यूटरी को भी काम करने के लिए जो हॉर्मोन्स देता है, रिलीज करने के लिए जो हॉर्मोन्स देता है वो हाइपोथैलेमस देता है. आर इज द वन व्हिच इज बेसिकली योर थायराइड ग्लैंड. दिस इज द वन जो किडनी के ऊपर है. तो दिस इज वन व्हिच इज कॉल्ड योर एड्रीनल ग्लैंड. एंड ये इधर वाला इट इज रिप्रेजेंटिंग द मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करने वाला ग्लैंड, दैट इज बेसिकली टेस्टिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. इधर वाला इट इज रिप्रेजेंटिंग योर ओवरी. अब क्वेश्चन पर, अ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अग्रीड. अब हमें फंक्शंस मैच करने हैं 1, 2, 3, 4 विद रेस्पेक्ट टू कि 1 पी के लिए है, आर के लिए है, एस के लिए है या क्यू के लिए. इसी के रेस्पेक्ट में अब हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं. फर्स्ट क्या कह रहा है. फर्स्ट मेंटेन्स नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी. बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, दैट मींस ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है. ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड हियर. सो लेट्स राइट डाउन पी, पी क्यू आर एस है ना, हमने लिख लिया ना पी क्यू आर एस क्या है. सो लेट्स टॉक अबाउट द पी. लेट मी राइट इट डाउन विद ग्रीन पेन. Now, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कंट्रोल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड मेंटेन्स प्रेगनेंसी. एंड मेंटेन्स प्रेगनेंसी, आपको पता है ओवरी इज द वन व्हिच प्रीडोमिनेंटली रिलीजेस टू हॉर्मोन्स, फीमेल हॉर्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन इज द वन व्हिच इज नोन एज योर प्रेगनेंसी हॉर्मोन. पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, पी फॉर प्रेगनेंसी.
दैट मीन्स इफ अ मदर इज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड डेफिनेटली उसका प्रोजेस्टेरोन लेवल थोड़ा सा हाई होगा. इतना हिंट काफी है, हमको पता चल गया वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन क्यू हियर डायग्राम से देखकर. थर्ड वन, इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी. बॉडी की पूरी मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर्स का ध्यान रखने वाला. कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करने वाला सिंपल सा जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है दैट इज योर थायराइड ग्लैंड. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्रोल्स सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी. अब जब सॉल्ट बैलेंस की बात करते हैं, एक चीज का याद रखिए, दिस एड्रिनल ग्लैंड इज द वन व्हिच रिलीजेस अ हार्मोन, एक सेट ऑफ हार्मोन जिसको जनरली हम एक कैटेगरी में रखते हैं जो सॉल्ट वाटर बैलेंस को, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, उसको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड. मिनरलोकॉर्टिकॉइड released by adrenal gland. और adrenal कहाँ मिलता है आपको? Kidney के ऊपर. तो ये ionic salt balance को maintain करता है. तो of course kidney के ऊपर आपका adrenal gland है, तो हम किसके बारे में बात करें? S के बारे में. अब देखिए नीचे options कौन इसको match कर रहा है. One P के लिए है, तो हमारे पास ये तीन है P. Second is for the Q. Second is for the Q. Third is representing R. तो देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल बेस्ट है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Quickly, let's move on to our next question. Next question is coming from conservation of plants and animals. जब हम कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं ना, वी टॉक अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमिक एड्स, जैसे हो गया जूलॉजिकल पार्क, हो गया एंडेंजर्ड स्पीसीज, हो गए एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड स्पीसीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में एकदम से फ्लो करने लग जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. चलिए क्विकली क्वेश्चन देख लेते हैं. Read the given paragraph and select the option that correctly identifies PQRS. PQRS में अगर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर organisms के नाम है, जैसे snow leopard है, Asian elephant है. हमको ये बताना है कि according to IUCN, International Union for Conservation of Nature, ये सारे के सारे किस category में fit होते हैं. Extinct animal के लिए P है, U के लिए endangered, R के लिए vulnerable और S है critically endangered. अब थोड़ा देख लेते हैं. P में olive ridley turtle, क्या ये extinct है? Extinct की category में आपको ये दो दिख रहे हैं. Dodo, Dodo तो बहुत पहले extinct हो गया. Sea lemmings अभी recently extinct हुए हैं. तो मतलब देखा जाए तो ये दो है जो मेरी category में fit होते हैं. इन्हीं से related हमें answer मिलेगा. Second one is Q, endangered animal. Asiatic lion or Hawaiian crow. जो Hawaiian crow होता है, this Hawaiian crow is the one which is generally उसको ये बोला गया है कि kind of extinct है. लेकिन अब उसको दोबारा they are trying to populate it again. Kind of extinct मतलब वो लगभग खत्म हो चुका था, but अब उसको generally they are going to rehabilitate. उसके ज़्यादा progenies बढ़ा रहे हैं, धीरे-धीरे उसपे काम कर रहे हैं. तो इसको हम इस कैटेगरी में नहीं रख सकते. सो क्यू के लिए हमारा एशियाटिक लायन है, विच इज एंडेंजर्ड एनिमल. एंडेंजर्ड एनिमल हमारा आर जो स्नो लेपर्ड है, ऑफ कोर्स इट वुड बी वल्नरेबल, क्योंकि जो जायंट पैंडा है वो तो खुशी खुशी हर जगह मिल रहा है, बैम्बू शूट खाता है खुशी खुशी हर जगह, चीजों में आपको दिख जाते हैं पैंडास, पैंडास के कितने सारे कंजर्वेशन रिजर्व्स बन चुके हैं. तो पैंडा इज अ कंप्लीटली सेफ एनिमल, तो उसको हम वल्नरेबल एनिमल की कैटेगरी में नहीं रखते. Great Indian Bustard. Yes, this is the one which is critically endangered animal. According to the options that we have, the correct answer is B. Option B here. Let's quickly move on to our next question. Achiever section. If you remember, Achiever section mein 5 questions hote hain aur har question ki marking 3 marks ki hoti.
अब तक हमने जितना भी साइंस सेक्शन में किया हर क्वेश्चन 1 मार्क ईच था, और अब अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 5 क्वेश्चंस डिवाइडेड है, सिर्फ 5 क्वेश्चन, और उन 5 क्वेश्चंस में से मतलब अब देखेंगे बायो के कितने क्वेश्चंस हैं, उन 5 क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन इज ऑफ योर, लेट्स क्विकली सी द क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, इसमें थोड़ा सा समझ के करना हो। The chapter is of diversity. घबराना नहीं है, बहुत धीरे से क्वेश्चन को समझना है। Refer to the given structure here, which is your given paragraph that actually says, refer to the given dichotomous key and select the incorrect option regarding organisms PQRS. तो हमें ध्यान देना है PQRS पे ध्यान दें। फर्स्ट ऑप्शन पी के रेफरेंस में क्या बोल रहा है, एनिमल्स विद सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ठीक है, अगर सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट मींस वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सेलुलर लेवल, दैट मींस स्पंजेस, पॉरीफेरा के बारे में हम बात कर रहे हैं, पॉरीफेरा के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसी का जो फर्स्ट सेकेंड कह रहा है एनिमल्स विद टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गो टू टू, मतलब इसी से रेलिवेंट टू के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, टू के पास ज्यादा तो एनिमल्स पोजेसिंग रेडियल सिमेट्री, फिर वैसे ही थ्री के रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि थ्री का देखिए ट्रू सिलोम, वैसे धीरे धीरे करके इट हैज रीच टू दिस सेक्शन दैट इज योर क्यू सेक्शन, इट हैज रीच टू अ सेक्शन विच सेज द क्यू सेक्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग अप फ्रॉम इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इस क्वेश्चन का एक पैराग्राफ फटाफट पढ़ लेते हैं, व्हाट इज दिस पैराग्राफ इज आस्किंग, रेफर टू द गिवन पैराग्राफ वेयर फ्यू वर्ड्स हैव बीन इटैलिसाइज्ड एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, इसमें हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, वो इनकरेक्ट ऑप्शन इनमें से ढूंढना है। पहले एक कहानी पढ़ लेते हैं व्हाट दे आर आस्किंग, एनिमल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड फॉर ट्रांसपोर्ट आर कॉल्ड रॉट एनिमल्स, ट्रू, हेविली बिल्ड एनिमल्स को लिया जाता है, जबकि एनिमल्स यूज्ड फॉर मिल्क प्रोडक्शन आर कॉल्ड मिल्च एनिमल, विच इज वेरी ट्रू, जैसे रेड सिंधी साहिवाल जो आपके लोकल ब्रीड है। प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी मिल्क डिपेंड्स मच ऑन द टाइप ऑफ ब्रीड, कि आप एक्सोटिक ब्रीड ले रहे हैं या फिर आप इंडिजिनस या फिर लोकल ब्रीड ले रहे हैं। एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ कैटल लाइक रेड सिंधी एंड जर्सी, एक्सोटिक बोला है तो रेड सिंधी आपका इंडिजिनस है, लोकल ब्रीड है, तो ये थोड़ा सा गलत है। On an average, give 6 liters of milk in a day. On the other hand, local breed, Sahiwal. Sahiwal local breed है, लेकिन brown Swiss क्या है? आपका exotic breed है. यहाँ थोड़ा सा ये भी थोड़ा गलत है. Produce on an average only 6 to 8 liters of milk per day. Cattle बहुत सारी बीमारियों से गुजरता है. It suffers from several diseases, जैसे bacterial हो गया, fungal हो गया, viral हो गया, which actually reduces the milk production. ऐसे एक example है anthrax. Anthrax is a fatal viral disease. Anthrax, it's not a viral disease. It's actually a bacterial disease. Whereas foot and mouth disease is a bacterial, नहीं, ये होता है viral disease, which broadly affects the health of the cattle, thereby reducing the milk production, which is very much true. अब हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं ये options कौन से इन statements को सही बैठाता है, क्योंकि हमें ढूंढना है incorrect. First option, milch or draught animals should not be replaced as they are correctly mentioned. Agreed? बिल्कुल statement correct है, तो आपस में ये interchange नहीं होंगे. This statement is true. Next statement क्या बोल रहा है? The positions of red Sindhi and brown Swiss should be interchanged. यहाँ पर पूछा है कि exotic breed कौन सा है? तो exotic breed में Jersey तो सही है, लेकिन red Sindhi गलत है. तो इसलिए red Sindhi और आपका ब्राउन स्विस आपस में जगह बदल सकते हैं। ट्रू, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है, द पोजीशंस ऑफ वायरल एंड बैक्टीरियल शुड बी इंटरचेंज, जो कि जरूरी है, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट, द पोजीशन ऑफ जर्सी एंड साहिवाल शुड बी इंटरचेंज, अग्रीड, लेकिन हम पूछ रहे हैं यहाँ पर लोकल ब्रीड्स के बारे में। लोकल मीन्स when we are talking about local breeds, we are predominantly talking about the indigenous breed. So indigenous breed कौन सा है हमारे पास? हमारे पास red Sindhi साहिवाल है, तो साहिवाल को उसकी जगह पे क्यों हटाऊं? अगर हटाना है तो मुझे brown Swiss हटाना है, तो मुझे brown Swiss और red Sindhi के बीच में जगह बदलनी है, ना कि मैं यहाँ से साहिवाल हटा दूं।
देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है. एक बार देख लेते हैं करेक्ट आंसर कौन सा है. करेक्ट इनकरेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन डी हियर. So today, what we have done n number of questions, interesting questions. Along with that, we have done the solutions also. So, जब हमने solutions भी किए, हमें बहुत सारे concepts भी clear हुए, हमने chapter के नाम पढ़े, उससे related पढ़े कि इस chapter में क्या-क्या questions आ सकते हैं. So, this is what we have all done in my classroom platform. और अगर आपको कोई भी query है, तो you can easily get in touch with us and visit at this website. Also, this is a tablet app through which you can log in and therefore aap isse related bahut sare questions and everything you can have an access to it. Also if you want to get more information you can go to these two links that we have. One we have the Facebook link that we have, the other one is your Instagram. Is dono link se aap humse connect ho sakte. To ye sari cheeze aaj humne bahut interestingly kaun se concept kaun se chapter se hai kya kya interesting questions aate hain ye sari cheeze aaj humne kari aur ye sari cheeze humne लास्ट के पेपर्स से थ्रू करी और पेपर्स के थ्रू हमारा थोड़ा बहुत एटलीस्ट आइडिया हो जाता है दैट व्हाट इज द 2023 पेपर गोना कैरी फॉर अस. सो दिस इज मी योर टीचर तनिषा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. यू ऑल हैव अ ब्लेस्ड डे एंड ऑल द बेस्ट.